अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। विदेश दौरे से लौटते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उपचुनाव की तैयारी में जुटे हैं। कई जिलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात में मिशन 2022 को कामयाब बनाने का प्लान बना रहे हैं, साथ ही क्षेत्रीय संगठनों के साथ भी जानकारियां बटोर रहे हैं। पार्टी मुख्यालय में सपा प्रमुख के साथ जिन नेताओं की बैठकें हुई हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि उपचुनावों को लेकर विस्तार से चर्चा की जा रही है। बूथ कमेटियों को मजबूत बनाने के आदेश दिए जा रहे हैं। बूथ कमेटी के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रखने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही बसपा से गठबंधन टूटने के बाद कार्यकर्ताओं का एक बड़ा खेमा छोटे दलों से गठबंधन करने की पैरोकारी कर रहा है। बसपा को सबक सिखाने के लिए कार्यकर्ताओं का सुझाव है कि तीसरे मोर्चे का गठन अखिलेश यादव के नेतृत्व में किया जाए। साथ ही अखिलेश यादव को सुझाव दिया जा रहा है कि पार्टी के आंतरिक मतभेदों को खत्म कर नए संघर्ष की सलाह देने वाले कम नहीं है। ऐसे में उनसे बचकर पार्टी का नेतृत्व कैसे संभालना है और कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है, उस पर जोर दिया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद अखिलेश यादव विदेश दौरे पर चले गए थे, जबकि विपक्षी दल बीएसपी और बीजेपी अपनी रणनीति गांठने में लगे थे। अखिलेश यादव उपचुनाव की तैयारियों में पीछे हैं, लेकिन विपक्षी दल लगातार आगे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव अब आगे निकलने के लिए और बाजी मारने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से खबर ये भी मिल रही है कि बैठकें चाहे कितनी भी कर ली जाएं, लेकिन जिस तरीके की पकड़ ढीली छोड़ी गई है उससे पार्टी को मजबूत बनाना मुश्किल है और उपचुनावों में पार्टी को कड़ी टक्कर का सामना करना होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनावों में पार्टी किस तरीके का परफॉर्म करती है और अखिलेश यादव के खाते में कितनी सीटें जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।